दोस्तों, एक चौराहे से एक चमचमाती हुई फॉर्च्यूनर जैसे ही निकलने वाली थी कि तुरंत वहां पर जाम लग जाता है, ट्रैफिक लग जाता है। ट्रैफिक इतना ज्यादा हो जाता है कि गाड़ी को निकालना मुश्किल हो जाता है। ड्राइवर धीरे धीरे गाड़ी को निकालने की कोशिश कर रहा होता है कि गाड़ी में बैठे व्यक्ति की आवाज आती है कि आप गाड़ी को रोक दीजिए, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, हम इतनी भी जल्दी कहीं नहीं जाने के इच्छुक हैं, आराम से हमको ले करके पहुंचाइए। ड्राइवर अपने गाड़ी के एस्केलेटर को वहीं पर रोक देता है, फॉर्च्यूनर वहीं पर रुक जाती है चौराहे पर, और फॉर्च्यूनर जैसे ही रुकती है वहां पर कुछ महिलाएं भीख मांगने के लिए आती हैं। उन महिलाओं को उस फॉर्च्यूनर में बैठा हुआ इंसान देख करके दंग रह जाता है। तो हेलो दोस्तों, मैं लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल पर, एक सच्ची घटना के साथ में, एक सच्ची कहानी के साथ में। आप सभी के बीच में मैं आ गई हूँ। दोस्तों, जो भी मेरे वीडियो पर देख करके कमेंट करते हैं, जिन भाइयों का कमेंट आता है मैं उनका नाम जरूर लेने की कोशिश करूंगी, और आप अपना एड्रेस जरूर लिखें आप कहाँ से हमारी वीडियो को देखते हैं। आज मैं जिनका नाम लेना चाहती हूँ उन भाई का नाम है के नाम है उनका, और सतीश कुमार उनका नाम है, और वो मेरी वीडियो को, जितनी भी वीडियो अपलोड करती हूँ सभी वीडियो को वॉच करते हैं, और वो वहाँ पर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करते हैं। तो आप लोग भी, अगर आप लोगों का भी नाम लेना है तो आप लोग भी एक प्यारा सा कमेंट करिए, मैं जरूर आप सभी का नाम लेने की कोशिश करूँगी। दोस्तों, ये जो घटना है, ये घटना है एक्चुअली 14 अगस्त की, सन 2015, 14 अगस्त सन 2015 की घटना है। एक पति पत्नी का डिवोर्स हो जाता है। आइए जानते हैं आखिर डिवोर्स होता कैसे है पति पत्नी का, कौन उनके बीच में डिवोर्स का कारण बनता है। एक व्यक्ति का नाम है सत्येंद्र कुमार, वो बिजनेस करते हैं, सत्येंद्र चौहान, कुमार चौहान वो बिजनेस करते हैं। इनका घर पड़ता है कन्नौज में, कन्नौज में इनका घर पड़ता है, और ये बिजनेस के सिलसिले में दिल्ली जा रहे थे। उतने में जैसे ही इनकी गाड़ी जो है चौराहे में रुकती है, वहां पर कुछ महिलाएं भीख मांग रही थी पहले से ही, और वहां पर जाकर के इस फॉर्च्यूनर गाड़ी को, सत्येंद्र जो चौहान थे इनकी गाड़ी को भी जोर जोर से धक्का देती हैं, उनके कांच को जोर जोर से ठोकती हैं कि मुझे कुछ पैसे दे दो, मेरी मदद करो। सत्येंद्र चौहान अपनी कांच में देख रहे हैं कि कुछ महिलाएं भीख मांग रही हैं। सत्येंद्र थोड़ी देर सोचते हैं और उसके बाद अपने ड्राइवर से कहते हैं कि मेरे कांच को, मेरी फॉर्च्यूनर गाड़ी के कांच को आप खोल दीजिए। जैसे ही ड्राइवर ने उनके गाड़ी के कांच को खोला, सत्येंद्र जी बाहर निकल करके देखते हैं तो वहां पर 4 से 5 महिलाएं घूम घूम करके, जितनी भी गाड़ियां आती जाती हैं सभी में महिलाएं भीख मांग रही होती हैं। सभी भीख मांगते मांगते इनके गाड़ी के पास में भी आती हैं। उसमें से 2-3 महिलाओं को सत्येंद्र जो चौहान जी थे उन्होंने निकाल करके अपने पॉकेट से 100-100 रुपए दे दिए, और एक महिला उस फॉर्च्यूनर गाड़ी के ड्राइवर वाले कांच में जाकर खड़ी थी और वहां से आवाज लगा रही थी। सत्येंद्र जी ने सभी को दिया और गाड़ी धीरे से फिर से स्टार्ट होने लगी, ट्रैफिक में से निकलने लगी। तो जो कांच के पास महिला खड़ी थी ड्राइवर के पास में, वो पीछे की सीट पर आ जाती है और वहां आकर के वहां के डोर को जोर जोर से आवाज देती हुई, चलती हुई आवाज देती हुई बोलती है, मेरी भी मदद करिए, आपने मुझे पैसा नहीं दिया है। जैसे ही सत्येंद्र चौहान फिर से अपने गाड़ी के कांच को नीचे करते हैं और उनको भी पैसा देने की कोशिश करते हैं, सत्येंद्र जैसे ही उनको देखते हैं और चौंक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं,
पूछते हैं तुम, वो महिला बोलती है आप। ये दोनों एक दूसरे को तुम और आप करते हैं। वहाँ पर जितने लोग थे सब लोग देखने लगते हैं। महिला कहती है कि आप कहाँ जा रहे हो? सत्येंद्र कहते हैं मैं दिल्ली जा रहा हूँ किसी काम से। महिला कहती है कि मैं यहाँ पर भीख मांगती हूँ। एक्चुअली ये दोनों जो तुम और मैं कर रहे थे, ये दोनों पति पत्नी थे। ये दोनों पति पत्नी थे, इनका साल डेढ़ साल पहले दोनों का तलाक हो चुका था और सत्येंद्र अलग रहते थे और रूबी अपने मायके रहती थी। जैसे ही सत्येंद्र ने रूबी को देखा, सत्येंद्र की आंखों से आंसू आने लगा और सत्येंद्र बहुत परेशान हो गए और उसके बाद में उस महिला को अपने गाड़ी के पिछली सीट में बैठने के लिए बोलते हैं कि आप हमारी गाड़ी के पिछली सीट पर बैठ जाइए। जैसे ही महिला गाड़ी के पिछले सीट पर बैठने के लिए जाती है, वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और सबको लगता है कि ये भीख मांगने वाली महिला को ले जाकर कहीं इसके साथ कुछ गलत ना करे। इसीलिए क्योंकि वहाँ के जितने लोकल लोग थे वो लोग हमेशा उन महिलाओं को वहाँ पर भीख मांगते देखते थे। रोक करके गाड़ी के जो फॉर्चूनर के ड्राइवर सत्येंद्र थे, सत्येंद्र को तुरंत वहाँ पर रोक करके सब लोग बोलने लगे कि आप इस महिला को कहाँ लेकर जा रहे हैं। सत्येंद्र ने बताया कि ये मेरी पत्नी है, इनका डिवोर्स मेरा 1-1.5 साल पहले ही हुआ था। उतने में रूबी भी बताती है सभी को कि ये मेरे पति हैं और हमारा इनका डिवोर्स हो गया था, अभी आज हमारी दोनों की फिर से मुलाकात हो गई है और मैं इनके साथ जाना चाहती हूँ। सभी लोग जितने भी भीड़ के लोग थे धीरे धीरे गाड़ी अपनी अपनी गाड़ी निकाल के आगे बढ़ने लगे, ट्रैफिक खुलने लगा और जैसे ही रूबी उस गाड़ी में जाकर बैठती है, रूबी को ले जाते हैं एक होटल पर। सत्येंद्र अपनी पत्नी को होटल में लेकर जाते हैं। वहाँ जाने के बाद में अपने ड्राइवर को बोलते हैं कि कुछ पैसे लो और जाओ और रूबी के लिए खूब सुंदर सी एक साड़ी, रूबी के लिए चप्पल, रूबी के लिए सब कुछ लेकर आप चले आओ और आ करके मेरी पत्नी को दे दो। तब उतने में ड्राइवर मार्केट जाता है और रूबी वहाँ पर बैठी अपने पति से बात करती है। उतने में सत्येंद्र अपनी पत्नी रूबी को कहते हैं कि आप एक बार जाइए और आप भी फ्रेश हो जाइए, नहा करके आइए। जैसे ही पत्नी नहाने के लिए गई और उधर से उनका नौकर कपड़ा लेकर के फिर से उसी होटल में वापस आया, आने के बाद में जैसे ही उनको से अपने मालिक को दिया ड्राइवर ने, उनकी पत्नी नहा कर आई और उस कपड़े को पत्नी ने पहना, रूबी ने पहना। रूबी सत्येंद्र को उस कपड़ों में वही दुल्हन दिख रही थी जैसे उनकी शादी हुई थी पहले दोनों की। दोनों से बातचीत होती है, एक दूसरे को देखते हैं और आंखों ही आंखों में एक दूसरे को फिर से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगते हैं। सत्येंद्र को दिल्ली जाना था, सत्येंद्र दिल्ली चले गए, जाने लगे और जाते जाते रूबी से इतना बोल कर गए कि आप अपना एड्रेस दे देना, मैं आपके एड्रेस पर आपके घर आऊँगा और आ करके वहाँ मैं बात करूँगा। सत्येंद्र उनका एड्रेस लेकर के दिल्ली के लिए निकल जाते हैं। रूबी वहाँ से फिर से अपने काम पे चली जाती है, पहले जैसा भीख मांगने लगती है। जैसे ही सत्येंद्र अपने ऑफिस में काम से पहुँचते हैं दिल्ली और यहाँ पर रूबी अपने रूम पर जाती है, रात हो जाती है, रूबी करवट बदलती है, सत्येंद्र वहाँ करवट बदलते हैं। दोनों एक दूसरे को सोचते रहते हैं और एक दूसरे को याद करते रहते हैं, वो दिन महसूस करते रहते हैं जब इन दोनों की शादी हुई थी। सत्येंद्र का काम ख़त्म करके सत्येंद्र अपने घर आ जाते हैं और रूबी भी अपना काम पे फिर से वापस सुबह हो जाती है, जैसे डेली जाती हैं वैसे जाती हैं। रूबी और सत्येंद्र दोनों एक दूसरे को मिस करते रहते हैं। उनके बताए हुए जगह पर जैसे ही ऑफिस से छुट्टी होती है, सत्येंद्र अपनी बीवी के बताए हुए जगह पर वापस जाते हैं, लेकिन वो एड्रेस
फेक निकलता है, गलत निकलता है। अब सत्येंद्र परेशान हो जाते हैं और फिर उनके दिमाग में वही आइडिया आती है कि जहाँ पर मैंने रूबी को पहले भीख मांगते देखा था, हम वहीं पर क्यों ना जाते हैं। फिर से वो अपने ड्राइवर के साथ उसी जगह पर पहुंच जाते हैं और रूबी वहां पर भीख मांग रही होती है। रूबी को ले जा कर के गाड़ी में बिठा के रूबी के घर को डायरेक्ट लेकर के जब जाते हैं, पता चलता है कि रूबी एक छोटे से मकान में एक टूटा फूटा बेड पर सोती है और एक छोटे से मकान में रूबी और सत्येंद्र की एक छोटी सी तस्वीर को टंगा करके रूबी रखी थी और उसको ही रोज रात को देख करके सोती थी। रूबी जैसे ही अपने पति को देखती है, रोने लगती है और बिलखने लगती है। दोनों से काफ़ी देर तक बातचीत होता है। ये बात ड्राइवर को भी नहीं पता था। ड्राइवर को पता चलता है कि ये हमारे मालिक की मालकिन है। ड्राइवर भी खुश हो जाता है। वहाँ पर सत्येंद्र बात करते हैं और बात करने के बाद में जैसे ही उस महिला को छोड़ करके जाने लगते हैं, कुछ पैसे देते हैं और उस महिला को छोड़ कर जाने लगते हैं, कहते हैं कि तुम्हारा खर्चा मैं उठाऊंगा, तुम भीख मत मांगो, तुम परेशान ना हो जाओ, तुम्हारा सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। सत्येंद्र वहाँ से जाने लगते हैं और तुरंत रूबी उनके पैर पकड़ करके रोने लगती है, प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो, माता जी कैसी हैं एक बार बात करा दो। सत्येंद्र रुक जाता है और बोलता है ठीक है, मैं माता जी से आपका बात करवा देता हूँ, माता जी अब बुजुर्ग हो चली हैं और तुम्हें पूछती रहती हैं अब कि रूबी कब आएंगी। जैसे ही इन दोनों की बातचीत होती रहती है, वैसे ही इनकी माँ से फ़ोन लगा करके सत्येंद्र बात करवा देते हैं अपनी मम्मी से, यानी रूबी के सास से। रूबी की सास जैसे ही आवाज़ सुनती है कि रूबी बात कर रही हूँ, वो पहचान जाती है और बोलती है रूबी तुम कैसी हो, तुम घर आ जाओ, तुम कैसी हो। रूबी बोलती है मैं ठीक हूँ माँ, आप कैसी हो। दोनों की बहुत प्यारी बात होती है और सत्येंद्र फिर से जैसे जाने लगता है, जाते जाते सत्येंद्र ये पूछता है कि तुमको मैंने जब शादी हुई थी तब तुमको मैंने 40 लाख रुपए दिया था, तुमने मुझे 40 लाख रुपए लिया था, वो 40 लाख रुपए में तुम्हारी ये हालत है, तुम्हारे पैसे आखिर 40 लाख तुम्हारे लिया किसने। तो दरअसल दोस्तों, वो जो महिला थी उसके घर में जीजा थे, भाई थे और उसकी माँ थी, पिता थे। ये लोगों ने जो सत्येंद्र थे, सत्येंद्र एक अच्छे घराने से थे और सत्येंद्र की जो शादी इन लोगों ने करवा दिया था, एक गरीब फैमिली से करवाया था, मिडिल क्लास फैमिली से करवाया था। और सत्येंद्र की जो बीवी थी वो बहुत सीधी साधी थी और सत्येंद्र को काफ़ी प्यार करती थी। लेकिन इनका सत्येंद्र का जो ससुराल वाले थे, वो ससुराल वाले कुछ दिन के बाद उनको ये पता चला कि इसके पास तो बहुत पैसा आता है, इनका खुद का बिजनेस है, अच्छा खासा रकम आता है और इनका कोई भाई भी नहीं है, ये अकेला परिवार है। सत्येंद्र के जो भी पैसे थे उसके ऊपर रूबी के परिवार वालों का लालच चला जाता है और धीरे धीरे रूबी को, रूबी के मायके वाले धीरे धीरे उनको, उनके कान को भरने लगते हैं और रूबी और सत्येंद्र के बीच में झगड़ा लगा देते हैं, गलतफहमी पैदा कर देते हैं। और इतने में उनके जो जीजा थे, वो जीजा उस आग में घी डालने का काम कर रहे थे और इन दोनों का फाइनल ही डिवोर्स करवा देते हैं इनके जीजा। जैसे ही पत्नी सब बातें बताती है कि जैसे ही हमारा और आपका डिवोर्स होता है, डिवोर्स होने के बाद जितना भी पैसा मिला था, मेरे जीजा जी ने मुझे ये बोल करके वो पैसा सब धीरे धीरे ले लिया कि मैं एक घर ले लेता हूँ, एक फ्लैट ले लेता हूँ और बाकी का जो बचता है, बाकी का मैं तुम्हारी शादी में लगा दूंगा, तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढूंगा। और इतने में ही मेरे भाई की शादी भी हो जाती है। रूबी बताती है कि उसके छोटे भाई की शादी हो जाती है और उसके माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं। उसका जीजा तो था सारा पैसा लेकर के मेरी शादी भी नहीं करवाता है और भाभी आने के बाद भाभी मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने लगती है, मेरे ऊपर अत्याचार करने लगती, मुझे घर से सभी लोगों ने निकाल दिया। और जीजा भी मेरा मुझे बोलता है कि जब तुम अपने ससुराल की नहीं हुई, अपने पति की नहीं हुई,
तो तुम किसी की नहीं हो सकती हो, मुझे मेरे घर से इन लोगों ने निकाल दिया। इतना सुन करके सत्येंद्र का दिल इतना ज्यादा तड़प गया। सत्येंद्र ने बोला, तुम कुछ मत करो, तुम मेरे साथ चलो, मेरे घर चलो और मेरे घर पर चल करके तुम रहो। रूबी पैर पकड़ती है, रोने लगती है, कहती है, मुझे छोड़ो मत, मुझे अपने साथ लेकर चलो, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। सत्येंद्र ने अपनी माँ से परमिशन लेते हैं और परमिशन लेने के बाद रूबी को अपने घर लेकर के चले जाते हैं। रूबी और जो सत्येंद्र हैं दोनों फिर से वही प्यार भरी जिंदगी जीने लगते हैं और सत्येंद्र और उसकी जो माँ थी वो भी खुश हो गई। उसका परिवार अच्छी तरीके से खुशी से फिर से रहने लगा। दोस्तों, ये जो कहानी है, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि जब भी पारिवारिक कुछ भी मामला होता है तो उसमें ज़्यादातर तोड़ने वाले जो होते हैं वो अपने ही रिश्ते के लोग होते हैं। इसीलिए रिश्ता तोड़ने से पहले थोड़ी सी समझदारी हमें दिखाना चाहिए, हमें समझना चाहिए क्या सही है क्या गलत है। अगर रूबी जी को उस समय ये पता होता था कि मेरे परिवार के लोग मेरा घर तोड़ रहे हैं, तो रूबी ऐसा नहीं करती थी। रूबी आज अपनी गलती को मानती है, सत्येंद्र भी अपनी गलती को मानते हैं, दोनों प्यार से खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये जो कहानी आपको मैंने सुनाया, ये आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।